क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। नालंदा में जन अधिकार युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने आयोजित सामूहिक कन्यादान महायज्ञ कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में कई जोड़ों का विवाह कराया गया। शादी के बंधन में बंधे जोड़ों को युवा प्रदेश अध्यक्ष ने उपहार दिया और साथ ही आशीर्वाद भी दिया। दानवीर ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन इस तरह की घटनाएं प्रदेश भर में रोज हो रही हैं। बेचैन सौ का पैरवी नहीं है, इसके कारण अपराधी भाग रहे हैं। यदि बेचैन सौ की भी पैरवी अच्छे नेते से होती, थाने में होती, तो अपराधी आज जेल में होते। तो ऐसे ऐसे बेचैन सौ कई है जिसके लिए आदरणीय नेताजी ने मुहिम छेड़ा है। पूरे बिहार का दौरा लगातार 24 आवर कर रहे हैं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। मैं बेचैन सौ के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी तत्पर है। आगे आज वहाँ हम लोग गए थे और यदि उनको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते। नवादा में स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन प्रोजेक्ट कन्या इंटर कॉलेज में किया गया। आपको बता दें कि उद्घाटन डीडीसी दीपक मिश्रा ने फीता काट कर किया। इस कार्यक्रम में सदर एसडीएम उमेश भारती भी उपस्थित रहे। पैड लेने के लिए मशीन में सिक्का डालकर पैड को लिया जा सकता है। इस मशीन की देखरेख की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दी गई है। ये एक पैड का मशीन है जिसके लिए हम अपने स्कूल में यूज कर सकते हैं और आसपास के जिनको भी इसका यूज़ होगा वो आके यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये मात्र 2 रुपये में उपलब्ध होते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे स्कूल में ये मशीन लगा हुआ है। और इसके मशीन के लग जाने से ना ही हमारा क्लास मिस होगा, ना ही हमें बहुत सारी दिक्कतों से हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक नैपकिन पैड है जिसका यूज गर्ल्स लोग करती है और उन्हें ऐसा अच्छा मतलब उनकी बहुत सी बीमारियों का, इसे पहले वो बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें यूज करती थी जो अभी नहीं यूज करेगी। इसका यूज होने से उन्हें उनकी तबीयत पे असर नहीं होगा, उनका तबीयत ठीक रहेगा। ये स्कूल के सिवा ही नहीं, ये बाहर के लोगों को भी यूज कर सकती है। ये सिर्फ 2 रुपये का है, 2 रुपये ऐसा कोई बड़ा रकम नहीं है, लेकिन यूज करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मित्रहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन नोबा की तरफ से हुआ है, जो हम लोग एक संगनी प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसके तहत हम लोगों ने बिहार और झारखंड के अन्य जगहों पर सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगाई है। इसके तहत आज नवादा में भी ये मशीन लगाई गई, जिसका मकसद है कि महिलाओं के हेल्थ को, स्वास्थ्य के ऊपर सुधार के लिए काम किया जा सके। ये वेंडिंग मशीन है जहाँ कोई भी आसपास की महिला हो या लड़की हो 2 रुपये का कॉइन डाल के अपने लिए सैनिटरी पैड निकाल सकती है। ये वेंडिंग मशीन नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी नोबा और SBI के योगदान के वजह से यहाँ पे हम लोग लगा पाए हैं। यहाँ पे टोटल 1760 बच्चे एनरोल्ड हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो उस चीज़ के लिए इस स्कूल को चुना गया है। साथ ही एक और स्कूल को भी चुना गया है जहाँ पे वेंडिंग मशीन लगाया जा रहा है। इस वेंडिंग मशीन से सबसे बड़ा जो मैसेज है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर आम जन में, लोगों के बीच में एक जानकारी फैले, यही ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए नोबा और SBI ने कंट्रीब्यूट किया है
हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जिला के अन्य हिस्सों में भी इसको रेप्लिकेट किया जा सके। नवादा में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। एक ट्रक पर चावल की भूसी की आड़ में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सहरसा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अंधेरी रात में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लाखों के जेवरात चोरी किए हैं और फरार हो गए। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये है हमारे चाचा है प्रभाकांत ठाकुर, उनके छोटे लड़का है राजेश उर्फ पप्पू। उनकी पत्नी का हाल फिलहाल में ही सेकेंड मैरिज हुआ था, उसका सारा गहना था और करीबन 5 भरी सोना के था और 10 भरी चांदी। पिछले दरवाजे से आके और पीछे से आके फार्म के अंदर घुसा और दोनों गेट को खोल के गोदरेज 2 ठो तोड़ा, बक्सा तोड़ा, ट्रंक तोड़ा, तोड़ के और सारा जेवरात को ले जा रहा था। रात के करीब 10 बजे के बाद ये लोग, मेरे चाचा लोग, चाची लोग सो गए थे और सुबह जब उठे सो के 5 बजे, उठने के बाद जब दरवाजा खोले तो बाहर से हैंडल लगा दिया था, तो बाद में घूम के जाके खोले तो पता चला देखने के बाद इतना सामान चोरी हुआ। सहरसा में एसिड अटैक की घटना सामने आई है। यहां अज्ञात बाइक सवार युवकों ने घर वापस जा रहे 2 बच्चे के ऊपर एसिड अटैक कर दिया। आपको बता दें कि एसिड अटैक से बच्चे जख्मी हो गए। वहीं बच्चों के परिजनों ने निजी क्लिनिक अस्पताल में भर्ती कराया जहां दोनों बच्चे इलाजरत हैं। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। वो ग्रीन फील्ड और सीजीएन स्कूल के सामने बजरंग वली के बगल में अकपरिया रास्ता, उस अकपरिया रास्ता से ये दोनों गुजर रहा था। उसी दरमियान में वो टेंडरे एज का 3 लड़का था जो कि इसको जानबूझ के अटैक हमको लगा किया है, लेकिन वो खदा में आग लगा के कोई केमिकल को फेंक रहा था। केमिकल जो फेंक रहा था एक बार फेंका, ये लोग ध्यान नहीं दिया, पैदल चलते चलते दोबारा फेंका, ये लोग को डायरेक्ट चेहरे पर आ गया। क्या था केमिकल? एसिड था क्या? एसिड टाइप का या स्प्रिट टाइप का जो भी था वो तो डॉक्टर साहब निकाले हैं, आँख में भी इसे निकाला है, इन लोग को वॉशिंग किया है, अब सुधार है। नालंदा में पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 108 एटीएम कार्ड और एटीएम क्लोन बनाने का मशीन बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो चलाया गया अभियान है, इसी क्रम में ये गिरफ्तारी हुई है साइबर अपराधियों की। कुल 3 साइबर अपराधी को नवादा जिले के नादीगंज पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 108 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल सेट और एटीएम कार्ड क्लोन करने वाले जो मशीन है, इसकी इन लोगों के पास से बरामदगी हुई है। 672 कांड दर्ज हुए थे लहरी थाना में, जहां पे जो राजकुमार जो कंप्लेनेंट थे उनका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया था, बाद में उनके खाते से 150,000 रुपया विड्रो कर लिया गया। इस कांड में जो एटीएम कार्ड थे उसकी भी बरामदगी इन लोगों के पास से हुई है। उस घटना में जो मोबाइल सेट का प्रयोग किया गया था, जो टोल फ्री नंबर फर्जी इन लोगों ने एटीएम मशीन में चिपका कर रखा था, उस मोबाइल सेट को भी बरामद किया गया है। इन लोगों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी जेल जा चुके हैं। इस गिरोह में अन्य सदस्य हैं जिनको हम लोग चिन्हित किए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए नालंदा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा। मुजफ्फरपुर में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए और घर में बंधे मवेशी भी जल गए। इस घटना से कई लोग घायल हो गए। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यही हुआ है कि मतलब रात को डिबिया जल रहा था तो बकरी का बच्चा मतलब डिबिया पर कूद गया ना, तो वो मतलब जर गया, अति गिर गया तो मतलब जर के मतलब टट्टी में पकड़ लिया, टट्टी में से पूरा मतलब अति घर में पकड़ लिया। उसके बाद बहुत कुछ किए तो नहीं हुआ, तो लास्ट में फायर फिगर वाला आए तो अति किए,
तो कुछ शांत हुआ, लेकिन पूरा मतलब सामान जो था वो पूरा जल गया मेरा। लगभग कै गो घर जला है? घर जला है आठ गो घर जल गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मधुबनी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इसी क्रम में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या मामले में अपराधी को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घटना में उपयोग होने वाले हथियार को बरामद किया है और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केसर कुलेश्वर मंडल वार्ड नंबर 4, इनके घर पर जब छापेमारी की गई तो जो वहाँ पर अपराधी छिपे हुए थे जिन्होंने हत्या की थी, वो भागने में तो सफल हुए, उन्हें पता चल गया, लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो जिस हथियार को यूज किया था हत्या करने में, उस हथियार की बरामदगी राजीव कुमार मंडल के पास से हुई। उसके द्वारा बताया भी गया कि ये लोग आए थे यहाँ पे, आए और ये हथियार रख के, और जब पुलिस की खबर मिली तो वो भाग गए। तो उस ये हथियार जो प्राप्त हुआ है, बरामद हुआ है, उसके लिए अलग से एक केस जयनगर थाना में दर्ज किया गया है 6723, और राजीव कुमार मंडल को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और बाकी जो कलवाई का थाना कांड संख्या है, उसकी में जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जाएगी, जिसमें दो देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली ATM की बरामद हुई है। इसके अलावा एक MI कंपनी की मोबाइल TV बरामदगी है और एक काला रंग का बैग है जिसमें ये सारी चीजें प्राप्त है। भागलपुर में जमीनी विवाद में जमकर लाठी डंडे चल गए। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। जमीनी विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मामूली उपचार के बाद रेफर कर दिया। अरे हमारा छोटा भाई और उसकी पत्नी और मेरी छोटी वाली बहन जो है, दोनों मिल के हमारा गर्दन पीछे से हंसुआ से वार कर दिया, जिसमें कि हम गिर गए। उसके बाद फिर हमको होश नहीं आया, फिर गाँव से मस्कालीन सब आया, वैसे उठा हमको फिर कहाँ कहाँ ले गया, वही सब इलाज उलाज कराया। और ये जो है हमारा छोटा भाई जो है अपनी पत्नी के नाम पर, हमारे माँ अनपढ़ गंवार है, लिखा पढ़ नहीं जानती है, उससे टिप्पा ले आके कहलगाँव में मेरा बाबूजी और दादाजी का तमाम संपत्ति खरीदा हुआ, वो अपना पत्नी के नाम पर मेरा छोटा भाई लिखा लिया है। लिखित में आवेदन दिए? लिखित में आवेदन हम जो है तो सुरैनपुर थाना में दिए हैं। वो हमारे पे जमीन विवादी है, जमीन में हम लोगों का सारा लिखा करके ले लिया है, और वो कहता है रामलाल साहब, कुंती देवी, आशा देवी सब पता है कि मेरे नाम से घर हो गया, घर को खाली करो। आपकी सास जो है वो मतलब पढ़ी लिखी है या अनपढ़ गंवार है? कुछ भी बोल देते मतलब लिखा लिख देगा, टिप्पा देती है सर।
पहले भी आप सब आते हैं तो मारपीट होता है कि? हाँ, पहले भी हमारे साथ दो तीन बार मारपीट किया है। ये पहली घटना है, गला काटते हैं। ये जो है पहली घटना, ये पति के साथ रहते हुए पति का साथ गला काटे हैं। और हम जब अकेले थे यहाँ पर तो हम अपने घर में ईंटा रखे हुए थे, वो ईंटा जो है रामविलास साहब, कुंती देवी, आशा देवी और मिली कुमारी सब मिल करके जो फेंक दिया और हमें जो है पैर पर ईंटा उठा मार दिया। पैर भी मेरा उसमें टूट गया था। ये लगभग जो है साल 12-13 महीना हो गया है ईंटा उठा फेंकने से। ये अकेले में ये सब कांड किया मेरे साथ। और बार बार होते रहता है। हाँ, और ये हमेशा बार बार होते रहता है ये घटना। खबर बेतिया से है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान शराब के साथ चार लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार शराबियों के पास से लगभग 3 लीटर शराब के साथ एक बाइक भी बरामद की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि नशे की हालत में गिरफ्तार की शादी होने वाली थी, जेल जाने के कारण बारात नहीं जा पाई। लड़की पक्ष और बाराती दूल्हे का इंतजार करते रहे, इससे पहले दूल्हा बारात ले जाता पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मरवा पुल पर कुछ लोग दारू के कारोबार कर रहे हैं, उसी में हम लोग गए तो 3 आदमी को पकड़े, एक बाइक और 3 आदमी पकड़ा गया। किसी शादी ब्याह थी? गांव के द्वारा पता चला कि ये साजिद नाम का लड़का है, उसका शादी था आज का दिन। बाढ़ में पुल अब अपराधियों के लिए सेफ क्राइम जोन बनता जा रहा है। इस जगह पर वाहनों का आवागमन लगातार जारी रहता है, साथ ही कुछ दूरी पर बाजार समिति भी है, लेकिन फिर भी पुल के पास या उसके नजदीक अपराधी अपराध कर फरार हो जाते हैं। इस जगह पुलिस की कोई तैनाती नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा के लिए CCTV, इसलिए अपराधियों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। हाँ, चौकी CCTV कैमरा भी वहाँ रहना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट वो हो गया चौराहा, कोई भी घटना करके कोई आसानी से भाग जा रहा है। कोई बच्चा कभी दो दिन एक महीना पहले ये हो गया था ट्रेन से, कभी बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे आए दिन होते रहती हैं और व्यवसायी वर्ग भी वहाँ पे रहते हैं, तो इस चलते वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक चौकी होनी चाहिए, CCTV कैमरा होना चाहिए, इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए प्रशासन की ओर से, ताकि आए दिन इस तरह की घटना ना हो। मसौढ़ी में 134वीं किसान के प्रणेता स्वामी सहजानंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सहजानाबाद के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक ने दीप जलाकर किया। मौके पर CPI के ब्रजभूषण शर्मा और किसान नेता उमेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं मौके पर मौजूद पालीगंज के पूर्व विधायिका ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत सरकार से भारत रत्न दिलाने की मांग की। भारतीय सनातन परंपरा के एक सफल कर्मयोगी थे, जो अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़े। तो प्रासंगिकता उनकी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जो उनके सपनों को साकार करेगा वह हिंदुस्तान को निर्माण। मैंने तो कहा कि मैं जब पहली बार संसद में गया, NDA की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में स्वामी जी की चर्चा संसद में हुआ और कई कार्यक्रम हुए। उन दिनों से लगातार स्वामी जी हावी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्वामी जी 70 वर्षों का इनको छिद रहे हैं, तो भारत भी मजबूती से इधर उड़ा रहा है। स्वामी जी की जयंती मननी ही चाहिए। जो स्वामी जी हम सब मसौढ़ी के लोगों को धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि स्वामी जी को याद कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि सरकार भी अब उनका सरकारी मूर्ति पर जाकर के माल्यार्पण करना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इसी से लगता है कि हम सबका भी कर्तव्य है कि स्वामी जी को स्मरण करें, स्वामी जी को याद करें, स्वामी जी ने जो किया है उनके ऊपर चर्चा परिचर्चा करें। इसीलिए खबर हाजीपुर से है, जहां मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत भव्य कलश प्रारंभ हुई। यह कलश यात्रा गंडक नदी के तट से शुरू होकर यूसुफपुर में पहुंची। इस कलश यात्रा में पुरुष और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यह यज्ञ 3 दिनों तक चलेगा। इसके कलश यात्रा का उद्देश्य यह है कि हमारे नगर में, गांव में सुख शांति हो, हमारे गांव में जो कष्ट है वो दूर हो और हमारे भक्तजन को सुख शांति प्राप्त हो और गांव की तरक्की हो, नगर की तरक्की हो, शहर की तरक्की हो।
इसमें कितने लोग ने भाग लिया था? 1051 लोग भाग लिए हैं, जिसमें महिला की जनसंख्या ज़्यादा है जी। अभी जो कलश निकला है, कितना कलश निकला है यहाँ से? 1051 निकला है जी। ये कहाँ पर है? बड़ी सुपुर जी। आपका नाम? विरंजन कुमार। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।